नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल्स तैयारी पे। तो ये हमारा यूपीएससी चैनल है, यहाँ पे हम यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं। और आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना क्रैश कोर्स, जिसमें कि हम लोग बताएंगे आप लोगों को जितनी भी बुक्स है, रेफरेंस बुक्स, उसको कवर किया जाएगा। हिंदू के जो एडिटोरियल है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। हिंदू के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो करेंगे हम। फिर साथ में हम करेंगे विजन आईएएस की जो मैगजीन है उसके भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए हमारा रिवीजन हो जाए। और हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चैप्टर्स, कोई ना कोई सब्जेक्ट के चैप्टर्स को करेंगे, प्लस डेली बेसिस पे हम क्विज भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, ताकि हमारा रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम डेली क्विज जो करेंगे उसी पे बेस्ड है ये। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा ताकि आप अपना आंसर नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में उसको आंसर कर सकें। फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन में आपने कितने सही किए थे, और आपको कैलकुलेट करके अपना मार्क्स बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हो रहा है। और साथ में आपको ये भी करना है कि आपको ये बताना है कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न नहीं है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम था तो आप वो भी कह सकते हैं। वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी पैटर्न पर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। अच्छा, कट ऑफ मार्क्स जो है इसमें 6 क्वेश्चंस आपको सही बनाने हैं, तभी आपको उससे आपको पता चलेगा कि आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हैं कि नहीं। मिनिमम 6 तो आपको लाना ही होगा। मतलब 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आज और इसमें 6 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, ये हमारा शेड्यूल होगा, इसी शेड्यूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जैसे पॉलिटी का क्विज आएगा मंडे को, ट्यूजडे को आएगा हिस्ट्री का, फिर वेडनेसडे को इकोनॉमी, फिर साइंस टेक या एनवायरमेंट साथ में आ जाएगा। हिस्ट्री मतलब यहाँ पे हिस्ट्री के सारे सेक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल तो आएगा ही, प्लस आर्ट एंड कल्चर भी जो है हिस्ट्री में ही हम कवर करने वाले हैं। फिर ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स और मिसेलेनियस में वो सब चीज़ें कर लेंगे जो बची हुई हैं। ठीक है, जैसे कि विजन में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, वो सब भी करेंगे हम मिसेलेनियस के अंदर, विजन मैगजीन्स में जो रहते हैं वो सब। फिर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या है। अगर 10 आ रहा है आपको, 10 आ रहा है मतलब आपका ये सब्जेक्ट जो भी, जैसे पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी आपका सब्जेक्ट बहुत सही है, आपकी अच्छी पकड़ है इसके, जो जो भी है इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका फैक्ट्स है सब आपको, आपकी सही है, ये पता चलेगा। फिर 8 और 9 भी गुड गोइंग है। 6 और 7 ऐसा है कि कीप रिवाइजिंग वाला सेगमेंट ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी सिले मिस्टेक भी करते हैं तो आप नीचे आ जाइएगा, और फिर वो वाला वो जो होता है कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, सेफ जोन जो होता है उसमें नहीं रहेंगे आप, इसीलिए आपको रिवाइज करते रहना है। 4 और 5 का मतलब 4 से 5 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो आपको बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत है, रिवाइज करने की भी ज़रूरत है, और 3 से कम आ रहा है तो बहुत ही गलत बात है, ये आपको और पढ़नी चाहिए। और हमारा जो वीडियो आएगा रोज़ क्रैश कोर्स के ऊपर, प्लीज़ उसको देखिएगा, ताकि आपका विद इन कम टाइम, मतलब कम टाइम फ्रेम में आपका जो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। तो उसको आप कंप्लीटली देखिएगा इस चैनल पे। बेल बटन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेसन आए आपका छूटे नहीं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। क्रैश कोर्स के लिए कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, जितने कॉन्सेप्ट जितने रिवीजन आपको कराई जाएगी ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे, जो लिंक है वो वहाँ पे रहेगा, उसके थ्रू आप जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का लेसन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। उसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस पोजेसिंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इलेबोरेट एंड द सेकेंड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये बोला तीसरा स्टेटमेंट, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो अब
आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। और अब बताइए आप कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो कई सही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी जो फेथ और एस्पिरेशंस है वो सब मेंशन की गई है, तो ये हो गया राइट। फिर इसमें बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट एलाबोरेट है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत इलाबोरेट सच में है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, सब कुछ के बेसिस पे बनाया गया है। प्लस इलाबोरेट इसलिए भी है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे कि यूके का, यूएसए का, फिर कनाडा का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर जापान का, फिर जर्मनी का, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमारे इंडियन सोसाइटी को सूट करता वो सब लिया गया, तो ये मोस्ट इलेबोरेट है। फिर सेकेंड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो सर्बिया का है। तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। और फिर ये तो डेट वाइज ये तो सबको पता ही होगा, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेडरेशन के बारे में आप बताना है। फेडरेशन हैज वेल एस्टेब्लिश ट्रिपल पॉलिटी ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती सिस्टम। बोल रहा है फेडरेशन का मतलब क्या होता है, उसमें फेडरल भी होगा गवर्नमेंट, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी होगा और वहाँ पे पंचायती सिस्टम भी होगा। और दूसरा बोलता है कि फेडरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट अमंग नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज। तो इसमें बोल रहा है कि पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कोऑर्डिनेशन बॉडीज के, तो ये आपको आंसर अब बताना है। चलिए आंसर बताते हैं इसका। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, इसमें पावर जो रहता है वो बहुत जितने भी कोऑर्डिनेट बॉडीज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रिपल पॉलिटी बताई गई है ये नहीं है हमारे इंडिया का फेडरेशन। यहाँ पे हो जाएगा सेंटर होता है हमारे पास और स्टेट गवर्नमेंट होता है, पंचायती राज सिस्टम जो है वो फेडरेशन में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, ओनली बी इज करेक्ट। जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखेंगे हम। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच ओ देयर पावर्स फ्रॉम इट्स प्रोविजन। फिर द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी रिव्यूड एंड डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट्स ओनली। आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ये बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट्स ओनली, तो जैसे ही आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ओनली ऐसा देखिएगा तो इसको आपको मार्क करके रखना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू है, इसीलिए ऐसे ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी का ऐसा हैबिट है, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं वो। तो यहाँ पे जो नल एंड वॉइड बताना है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, दूसरे कोर्ट्स के पास भी है। और सुप्रीम कोर्ट्स ओनली जो है, ओनली वर्ड ये यहाँ पे गलत है, जिसके वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ए जो है वो राइट है और बी जो है रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। फिर यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इशू एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस टू स्टेट इन रिलेशन टू सर्टेन मैटर्स। कुछ कुछ मैटर्स में ऐसा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन स्टेट को दे सकती है, और दीज आर नॉट बाइंडिंग अपन द स्टेट। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। हाँ, तो देखिए ये जो है स्टेटमेंट ये सही है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दे सके स्टेट को कुछ कुछ मैटर्स में, बट दीज आर नॉट बाइंडिंग, ऐसा नहीं है, ये बाइंडिंग है स्टेट के ऊपर। नॉट जो है यहाँ पे ये गलत है, दीज आर बाइंडिंग अपन स्टेट, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ये सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली ए। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आपको उसमें बताना है कि कौन कौन सा फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, तो कौन कौन सा सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे तीन पूछा है।
तीनों हैं, इसका आंसर हो जाएगा एबीसी। चलिए प्रियम्बल के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट दे रहा है। द प्रियम्बल इज नॉट रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ एनी सब्सटैंटिव गवर्नमेंटल पावर एंड नॉट एंड कैन नॉट प्लेस एनी लिमिटेशन ऑन एक्सरसाइज। फिर प्रियम्बल कैन नॉट बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, इज नॉट रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ एनी सब्सटैंसिव गवर्नमेंट पावर, और ना ही ये लिमिटेशन पुट करता है गवर्नमेंट के ऊपर, फिर ये इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही है, यहाँ पे ए एंड बी, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द बुक। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया विथ जस्टिस ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस है वो कैसे है, किस टाइप का है, तो सोशल इकोनॉमिक साइंटिफिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो जस्टिस है वो साइंटिफिक तो नहीं है, सोशल है, इकोनॉमिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। अब देखते हैं यहाँ भी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पे आपको बता दें कौन कौन से इसमें से करेक्ट है। नंबर ए इसमें लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स दैट इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट बट नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। तो आपको उसका आंसर करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स जब हम बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब सिर्फ स्टेट्स ही आएगा। ठीक है, स्टेट्स ही आएगा, उसमें यूटी नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं इंक्लूडेड, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जब हम बोलते हैं उसमें सब कुछ आएगा, स्टेट भी आएगा, इसमें यूनियन टेरिटरी भी आएगा, और प्लस जो भी टेरिटरी एक्वायर करता है इंडिया, इंडिया के बाहर भी अगर कुछ एक्वायर करते हैं हम बाय इंडिया, तो वो सब सब टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सिटीजन के बारे में पूछ रहा है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो अ सिटीजन इज अ पर्सन हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी और स्टेट इन विच ही लिव्स। तो सिटीजन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज सिटीजन, सिटीजन इज अ पर्सन हु इज सिटीजन, तो सिटीजन इज अ पर्सन हु एंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी और स्टेट इन विच ही लिव्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिटीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलियंस हु डू नॉट एंजॉय ऑल द राइट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है एलियंस जो होते हैं ना, उनके पास ऑल द राइट्स, सारे राइट्स नहीं होते हैं। आप देखिएगा हम जब फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर करेंगे उसमें हम बताएंगे कि कुछ ऐसे राइट हैं जो सिर्फ सिटीजन के पास है, एलियंस को नहीं दिया जाता है, बाहर वाले जो आते हैं फॉरेनर्स उनको नहीं दिया जाता है। तो सिटीजन यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन आर डिफरेंट फ्रॉम एलियंस हु डू नॉट एंजॉय ऑल द राइट्स, ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चन है। अ फंडामेंटल राइट इज डिफाइंड एज एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय सुपीरियर और बेसिक लॉ ऑफ लैंड, इट्स इंक्लूजन इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस राइट्स अ सैंक्टिफाइड प्लेस दैट प्रोहिबिट्स अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन देयर एक्सरसाइज और एंजॉयमेंट एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बिकमिंग अथॉरिटेरियन। ठीक है, हाँ, तो ये है ही फंडामेंटल राइट जो होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, प्लस इसकी प्रोविजन है कि ये किसी को अथॉरिटेरियन नहीं बनने देगा, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, या मतलब गवर्नमेंट को नहीं ये अथॉरिटेरियन बनने देगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन ये लगा के रखता है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, होपफुली आपको मजा आया होगा इस क्विज में, और आप अपना जो भी आपको स्कोर आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, आप जो भी है आप स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है कहाँ से पढ़ना है क्या करना है, तो आप हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना होगा, सिविल तैयारी सर्च करना होगा,
और जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, और डिस्कशन ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपके डाउट है वो भी आप वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। प्लस आप कुछ अगर सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे भी अपना सजेशन दे सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना है या फिर क्वेश्चन का लेवल इम्प्रूव करना है, तो ये सब भी आप आके बोल सकते हैं। अदरवाइज आप यहीं यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपको इसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा जो क्रैश कोर्स है ये अभी से 2 महीने की, मतलब 15 मार्च से लेके 15 मई तक ये आपकी जो जो भी कोर्स है ना उसको कंप्लीट करवा देगा, ये जो क्रैश कोर्स है। तो इसको ज़रूरी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, तो आप इसका फ़ायदा लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए और अपने प्रेपरेशन को और इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।